इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है आपके पूरे पाकिस्तान में नहीं होनी जितनी कराची की तरफ एक रोड पे है। तो जिसने भी कहा है कि कराची पाकिस्तान की जान है, रौनक है, सब कुछ है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब दोस्त। कराची पहुंच के अभी अपने पोस्ट के घर से निकल के आपको दिखाने निकला हूँ। आज पहला दिन है बेसिकली, और अभी है ये दिल्ली कलोनी। तो इंशाल्लाह अभी बाहर निकलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो आपने बने रहना सही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, और वेलकम है एक नई सीरीज में। वो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कराची। कराची कराची हमारे इस्लाम नगर की तरह है, लेकिन बिल्डिंग है बड़ी बड़ी हैं। बाकी जो हमारे इस्लाम नगर है, गलियाँ इस तरह छोटी छोटी हैं। तो आप देख सकते हैं अभी इधर मेन रोड पे जाएंगे भाई, उधर है दो तलवार। बेसिकली ये मेन एरिया सिटी सेंटर है, क्लिफ्टन वाली साइड है। यहाँ से 1 किलोमीटर है रेलवे स्टेशन कैंट वाला। तो बने रहें, चलते हैं। इस छोटे से बाज़ार में खाने की इतनी वैरायटी हैं, वाकई मानना पड़ेगा कि कराची जो है खाने का हब है। आप देख सकते हैं हर तरफ। तो इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, मतलब वैसे एक दफ़ा कंफ्यूज हो जाता है इनके खाने की इतनी वैरायटी है। सर तो अभी वो सामने मेन रोड आ गया है। वेलकम टू मेन कराची, एंड ये है जी मेन कराची क्लिफ्टन साइड। जो कोई भी नहीं आपको दिखाता, ना ही शो करता है, आप देख सकते हैं। और इस वक्त ट्रैफिक भी आप देख सकते हैं। और ये है यहाँ लोकल चलने वाली बसें, और इस पर भी हम ट्रैवल करेंगे जब कहीं जाएंगे दूसरे साइड पे। तो अभी हम इस साइड पे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। और जिससे भी पूछो वो यही कहता है कराची ना जाओ, लूट मारा ये है वो है, हत्ता के मेरे घर वाले। तो मेरे जो घर वाले थे वो भी मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं बेटा सेफ हो। तो यानी कि ये मतलब है हमारे वही कि कराची में लूट मार है ये है वो है कुछ एरिया में है, और शोर बहुत है यार। अब जी मैं, आप देख सकते हैं मैं इस पर मेन साइड पे खड़ा हूँ, मेन रोड साइड है। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, और ये है कराची क्लिफ्टन साइड है बेसिकली। तो वैसे हम जैसे कराची का नाम ले लोग डराना धमकाना शुरू हो जाते हैं, जैसे मैं पिछले साल डर के वापस भी चला गया था। तो अभी बस थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि जो हमारे तास्तार बने हुए हैं कराची के बारे में, कराची ना जाओ ये है वो है। अभी मैं रोड साइड खड़ा हूँ, कुछ जगह हैं वो औरंगी साइड या इधर उधर, लेकिन वो भी अभी कह रहे हैं कम हो गए हैं। बाकी आप देख सकते हैं इस वक्त नॉर्मल ज़िंदगी जो है चल रही है, और मैं अभी आपको लेके चलता हूँ आगे। तो इंशाल्लाह बने रहना है। मेरे घर वाले भी बहुत डरे हुए हैं, तो उनको भी ये वीडियो सेंड करता हूँ। आप देख सकते हैं जी इस वक्त मैं रोड साइड चल रहा हूँ, और जो मामूल की ज़िंदगी है कराची की वो भी आप देख सकते हैं। इस वक्त ये मेट्रो चल रही है और ये लोकल बसें हैं, और दूसरी साइड पे मेट्रो है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त लोग जो हैं यार मामूल की ज़िंदगी चल रही है। बस ये सामने मैं बस लिफ्टन पहुंचने वाला हूँ, बाकी कुछ नज़र आता है फिर आपको दिखाता हूँ, गपशप करता हूँ आपसे। अभी बच्चे चवले मार रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं जी इस वक्त इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, आपके पूरे पाकिस्तान में नहीं होनी जितनी कराची की तरफ एक रोड पे है ऑनेस्टली। और बाकी जो टाइटल और थंबनेल आप देख के आए हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑफकोर्स वैसे लोगों ने देखना नहीं था, ना लोगों को ऐसे पता लगना था। तो आप देख सकते हैं यार इस वक्त लोग आ जा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है मामूल के मुताबिक है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी। और अभी इंशाल्लाह कल आपको मज़ीद दिखाऊंगा, अभी तो बस ऐवें चक्कर मक्कर के लिए निकला हूँ। तो आप देख सकते हैं जी इस वक्त ये सऊदी एम्बेसी है इधर आसपास, वो सामने सीधे कहीं, तो वही रोड क्लिफ्टन को जा रहा है आगे। आप देख सकते हैं जूम नहीं होता इस गोप्रो में, यही मसला है इसका। तो ये मेट्रो आगे रुकी है, आप देख सकते हैं इसका बंदोबस्त करते हैं, देखते हैं मेट्रो किधर तक जाती है इंशाल्लाह। फिर छोटी सी फिश मार्केट, और आपको दिखाऊँ ये चिंगे, अभी देखे हैं ये खाए हैं अपने, इधर आपको वाफड़ मंगा लेंगे। और ये छोटी सी मार्केट है इधर, जिधर आपको
डेली सहूलियात की कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। आप देख सकते हैं ज़्यादातर फिश है, सब्ज़ी है और मटन वगैरह है, आप देख सकते हैं। चलते हैं बाहर वापस। गुड मॉर्निंग, आज है जी अपना दूसरा दिन कराची में और अभी बस ट्रेन ड्राइव करवा रहा हूँ और आपको कराची घुमाऊँगा आज, सही है, और दिखाऊँगा। आप देख सकते हैं ये है कराची जेनवन, जो आप टाइटल देख के आए हैं सिटी ऑफ स्नैचर्स, वो बस हम सुनते ही हैं, बाकी आपके सामने हैं, लोग आ जा रहे हैं, सही है, और तरह तरह के कुछ एरियाज हैं यानी कि साइड एरियाज हैं और बाकी सब तो ठीक है। बाकी इंशाल्लाह बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आज आपको सिटी विज़िट करवाऊँगा और उसके बाद जो हो सका मेरे से इंशाल्लाह। अच्छा, आपस की बात है, मेरे पीछे ये पुलिस का डाला खड़ा हुआ है। जब मैं पिछले साल इन्हीं दिनों आया था तो यूसुफ गोट पे उतर के मैं चला गया पुलिस के पास कि मेरे पास कैमरा है तो बचत हो जाएगी, कोई लूटेगा नहीं। तो मेरा दोस्त आया, कहता ये सबसे बड़े लुटेरे हैं। तो एंड ड्राइव आ गई है, बस निकलने लगे हैं और पहुँच के फिर आपको बताते हैं। अभी जी मैं दोस्त को मिला हूँ, तस्वीर आप देख सकते हैं, और अभी बस मज़ारे कायद पे पहुँचने वाला हूँ, 2 किलोमीटर पैदल चल के आ गया हूँ, तो पहुँच के वहाँ जाके आपको मिलता हूँ। और ये सामने फ़लस्तीन के हक में रैली निकालने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। जस्ट बाय द टिकट फॉर 50 रुपीज़ फ्राम हेयर एंड लेट्स गो इनसाइड, आई विल शो यू। इधर से जाना है जी, हम एंटर हो गए और कैमरा अलाउ नहीं है, तो कह रहे मोबाइल से जिस तरह मर्जी बनाओ, कैमरा भी उन्होंने अपने पास रख लिया। तो चलते हैं आगे, बस एक दो तस्वीरें बनाते हैं और निकलते हैं वापस, बाकी थोड़ी सी गपशप आपसे करनी है वो कहीं बैठ के साइड पे करता हूँ। ये है जी इसका सराउंडिंग, और क्योंकि आज संडे है बहुत 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 सारी फैमिली लगी हुई है, तो ये भी बस आपको नज़र आएगा और सामने कायदे मज़ार देख सकते हैं जी। 2 घंटे के पैदल चलने के बाद मैं इस वक्त आ गया हूँ मज़ारे कायद पे, जो कराची का दिल है, पाकिस्तान का दिल है। तो जिसने भी कहा है कि कराची पाकिस्तान की जान है, रौनक है, सब कुछ है, तो सही कहा है। यकीन माने एक दिन में ज़्यादा बंदा कर नहीं सकता, लेकिन मैंने जो देखा है अमेजिंग है। बाकी आप देख सकते हैं फैमिलीज, मुख्तलिफ लोग, एक जगह पर आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे ऑल ओवर फ्राम पाकिस्तान। तो अभी जी आप देख सकते हैं इस वक्त फैमिली लंच कर रही हैं अपनी, ठीक है, फैमिली के साथ आए हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, तो बाकी देख सकते हैं। बस आप देख सकते हैं जी, इससे ऊपर वैसे भी जाने की इजाज़त नहीं है, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची में और मज़ारे कायद पे। बाकी जो आपने देखा है यार, जो हम सुनते हैं, जो हमें बताया जाता है, वो हमेशा वो सच नहीं होता, तो बेहतर यही है कि खुद आएँ, एक्सप्लोर करें फिर लोगों को बताएं। तो आपके सामने मैं आपको बता रहा हूँ, आप ही आएँ और आके एंजॉय करें, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। लेकिन मैंने रात को 4 बजे घर आया हूँ, किसी किस्म का मसला नहीं है। और मज़े की बात, आपने देखा होगा पीछे क्लिप, रात को 1 बजे बारिश हुई है और लोग अपने फैमिली दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने आ गए हैं यार, अमेजिंग। तो अभी बस मेरा प्लान है कि मैं एक मंदिर है इधर, उसको विज़िट करूँ जाके, वो दिखाऊँ। तो ये वीडियो यहीं तक, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन ऑन कर देना है और चैनल का हिस्सा बन जाना है।